भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपाई गवई, पेरिपा आघाड़ी गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार मेघा मानकर, सुप्रिया पाटिल, उज्ज्वला खड़से आदि के प्रचार के लिए बिरसा चौक पर भव्य सभा ली गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुनील केदार, सुरेश भोयर उपस्थित थे। आइए डालते एक नजर। जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में हर कोई अपने उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए प्रचार के कई माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपाई गवई, पिरिपा आघाड़ी गठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार मेघा मानकर, सुप्रिया पाटिल, उज्ज्वला खड़से इनके चुनाव प्रचार रैली में बेसा डोंगरगांव जिला परिषद सर्कल, बेसा पंचायत समिति सर्कल और बाकी सर्कल से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर नारे देते हुए प्रचार सभा परिसर में पहुंचे। जहां पर भी हमारी नजर जाती कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता और परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में दिखाई दिए। युवा नेता बंटी शेल के और तीनों उम्मीदवारों पर कार्यकर्ताओं ने गुलाब के फूल डालकर उनका भावभीनी स्वागत किया। प्रचार सभा के लिए सुबह से ही कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया। हर कोई उम्मीदवारों को बधाई देते हुए नजर आए। इस मौके पर राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता बंटी शेलके और उम्मीदवार मेघा मानकर, सुप्रिया पाटिल, उज्ज्वला खड़से इन्होंने INBCN समक्ष जानकारी दी। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव का माहौल इस तरह है कि लोगों में काफी चर्चाओं का दौर गर्म है और बाजार व्याप्त है। ऐसे में एक देखा गया है कि आज बेसा के इस परिसर में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है, जिसके अंदर में कैबिनेट मंत्री सुनील केदार है, सुरेश भोयर है, बंटी शेलके है और तमाम उम्मीदवार है, और ये तमाम लोग आज यहाँ पे इसी सभा के लिए आए हुए हैं। अब हम सीधा रुख करना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में कांग्रेस के युवा तड़पदार जांबाज शानदार ऐसे युवा उम्मीदवार के नाम पे जिन्हें जाता है बंटी शेलके एक है हमारे साथ में, उनसे जाना चाहेंगे। बंटी, ये बताइए कि क्या कहना चाहोगे आज इस चुनाव को लेकर, जिस तरह की आज सभा रखी गई है, क्या कहना चाहोगे आप? आप देख ही रहे हो कि जिस प्रकार से जो है संपूर्ण जिले में और नागपुर ग्रामीण में जो वातावरण जो बना हुआ है, वातावरण बनने के बाद में और सम्माननीय हमारे जो नेता सुनील बाबू केदार जी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में, तो और समझ लीजिए कि एक 15-20% तो हमारे वोट ऐसे ही बढ़ गए, क्योंकि एक युवाओं में नवचैतन्य आ गया और उसके बाद में जिस तरीके से हमारी जो महिला जो भी हमारी उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार हमारी मानकरताई रहो कि खड़सेताई रहो या फिर पाटिल मैडम, तो इन्होंने भी जो है इसके पहले भी सामाजिक कार्य किया। एक वारसा जो पहले से जो चलते आ रहा है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत यह नागपुर ग्रामीण में और जिला परिषद में जो अध्यक्ष भी जो रहेंगे वो कांग्रेस पार्टी का ही यह हमारा बैठने वाला है और जीत यह हमारी सुनिश्चित हुई है। जीत तो अक्सर हो जाती है मगर जीतने के बाद उम्मीदवार जो है वो दिखते नहीं, ऐसा कहना चाह लोग कहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोगों का अनुभव इसके पहले भी यहाँ पर जो पंचायत समिति की जो यहाँ पर जो सदस्य थी सम्माननीय जो भी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि उनका नाम क्या है, उनका नाम लोगों को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के दबाव की वजह से खुद उन्होंने यहाँ की पंचायत समिति छोड़ के वो भाग चुके थे, तो इसलिए वो लोगों का अनुभव भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों, आपका कहना भी एकदम सही है कि लोग जब चुनके आने के बाद में वो दिखते नहीं, ये लोगों के अनुभव के ऊपर से, एक्सपीरियंस के ऊपर से आप जो है ये बोल रहे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो जिला परिषद सदस्य होंगे, पंचायत समिति सदस्य होंगे, वो पहले चुनके तो आ गए लेकिन चुनके आने के बाद में यहाँ पर कभी लोगों को हमको दिखेगा कभी नहीं। दिखेगा भी नहीं। बंटी भाई, एक ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप ये जो उम्मीदवार जीत के आएंगे ऐसे बार बार बोल रहे हैं, ऐसी क्या वजह कि जिसके चलते आपके तीनों उम्मीदवार क्यों जीत के आएंगे? आप देखिए कि जिस प्रकार से जो है हमने आज राज्य में भी हमने जो चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के बाद में आज नागपुर शहर में देखिए, आप नागपुर शहर में 4-6 में से जो है 2 सीटें हमारी चुनकर आई, और उसके बाद में जिस प्रकार से इन्होंने जो है बूथ मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था और दबाव में लाकर अधिकारियों को जो हमारे वोट जो गायब किए थे उसके बावजूद भी आज मध्य नागपुर जैसे क्षेत्र से मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता ने 72,000 वोट लिए, हमारे सम्माननीय नेता सुरेश भोयर जी इन्होंने 1,13,000 वोट इन्होंने लिए, गिरीश जी पांडव इन्होंने 80,000 वोट लिए, पुरुषोत्तम जी हजारे इन्होंने 79,000 वोट लिए, तो एक प्रकार से संपूर्ण माहौल यह कांग्रेस में ये हो गया और कांग्रेस पार्टी का हमारा जो जिला परिषद अध्यक्ष है वो 100-200% जो है यहाँ पर बैठने वाला है। एक उम्मीदवार हमारे साथ में खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आप बताएं कि जिस प्रकार से आज ये तमाम लोग आपके लिए आए हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? त्यांचा नमस्कार घेते पहिला आणि उपस्थित सुनील केदार साहेब यांना विनंती करते की याबद्दल आभार आहे इथे आल्याबद्दल।
कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो बात कम करते लेकिन काम ज़्यादा करते, उन्हीं में से एक देख रही हो कुछ ऐसा? इसका मतलब ये नहीं कि जो बात करते हो काम नहीं करते। एक हमारे साथ में मेघाताई जुड़ चुके। मेघाताई, ये पता कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस के ये तमाम पदाधिकारी दूर दराज से आपको खास समर्थन देने के लिए आए हुए, आज बहुत बड़ी सभा बेसमय आपकी होने जा रही है, क्या कहना चाहोगी, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत खुशी हो रही है, और केदार साहब, बंटी भैया और सबका सपोर्ट हमें जब ये चुनाव के टाइम में हमें उनका सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और उनकी वजह से हमारा भी थोड़ा जो ढाढ़स है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों का इतना सपोर्ट जो दिख रहा है हमको, तो उसकी वजह से तो हमारा बहुत ये यानी मन फूल रहा है। जैसे आप ये बताइए कि सुबह से लेकर रात तक के दिन रात कार्यकर्ताओं के साथ आप जब प्रचार के लिए निकली हो, कैसी एनर्जी महसूस करती हो, क्या लगता है आपको? रात भर नहीं सोए हम, एनर्जी रात भर सोए नहीं हम, सुबह की वेट कर रहे थे कि कब निकले, बस बच्चा स्कूल जाने वाला था, बस उतना टाइम रुके हम और फिर वैसे ही निकल चुके और सुबह से घूम रहे हैं। क्या कहना चाहोगे मतदाताओं को? मतदाता तो हमारे ही है, ऐसे लग रहा है उनको बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वही सबको बताते जा रहे हैं हमारे बारे में और इधर उधर ये कर रहे हैं, तो मुझे कोई बताने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल पटेल जी, आप क्या कहना चाहोगे? आज जी बेसा चौक मध्ये सुनील भाऊ केदार यांची सभा ठेवली आहे आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात इथे प्रचंड गर्दी झालेली आहे, याच्यावरून एवढंच लक्षात येतं की लोकांना बदल हवा आहे आणि हे परिवर्तन लोकांना नक्कीच झालेलं आवडेल। आणि लोकांचा इतका रिस्पॉन्स मिळत आहे आम्हाला प्रचारादौरान आम्ही इतके सर्वे केले तर लोकांनी भरपूर प्रमाणात आम्हाला रिस्पॉन्स दिलेला आहे। बिल्कुल, आप जीत के आओगे ऐसा पूरा विश्वास है आपको? बिल्कुल, लोकांच्या प्रतिसादावरूनच वाटतं की म्हणजे आम्ही नक्कीच निवडून येऊ। चुन के आने के बाद आप काम करोगे? हाँ बिल्कुल, कारण लोकांची अपेक्षाच असते आमच्याकडून की त्यांनी आमच्या आता तुम्ही आमच्या दारापर्यंत आले आणि परत याल अशी त्यांना आम्हाला विनवणीच केली आहे। क्या कहना चाहोगे आप? जीत के आएंगे अभी कांग्रेस पूरी, आना ही है, जीत के आना ही है, क्योंकि बदलाव जरूरी है, इस बार बदलाव लाना ही चाहिए, लोगों की ये उम्मीद है। बिल्कुल, काम करने वालों के लिए हमेशा प्रकाश दिखता है, उजाला दिखता है, जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए तो अंधेरा दिखता है, मगर आपकी बार नागरिक क्या करना चाहेंगी, कौन से उम्मीदवार को जिताना चाहेंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहेगी या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीदवारों को जिताना चाहेगी, ये बात अलग है, मगर एक बात तो पक्की कि कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार से ये प्रचार जो धुआंधार प्रचार किया जा रहा है और जगह जगह इन्हें जो भारी समर्थन मिल रहा है, इससे ये बात हो भी सकती है, लेकिन ये आखिरकार ये बंद डिब्बे में है, जब मतदाताओं की पेटी खुलेगी तब पता चलेंगे कि ऊन जो किस करवट बैठा है और जीत का परचम कौन लहरा रहा है। लेकिन कार्यकर्ता को पूरी आशा है कि वारे पंजा आ गया पंजा के नारों के साथ ये लोग कांग्रेस की जीत होंगी, ऐसा ये लोगों का मानना है। बेसा से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मेरे इंडिया न्यूज नागपुर। जगह जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपाई गवई, पीरीपा आगाड़ी गठबंधन के झंडे लगाए गए थे। वारे पंजा आ गया पंजा के नारों से पूरा बेसा परिसर गूंज उठा था। कैबिनेट मंत्री सुनील केदार का आगमन होते ही कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। संदल की धुन पर कार्यकर्ता दिल खोलकर डांस कर रहे थे। प्रचार सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुनील केदार, सुरेश भोयर और तीनों उम्मीदवारों ने अपने विचार व्यक्त किए। जिल्हा परिषद 35 सीटा ह्या काँग्रेसच्या निवडून येणार आहे, कोणाला काय लिहा लिहून टाका, एवढं उभा झालेला आहे, पण त्या 35 यादीमध्ये तुमच्या इथलं नाव असलं पाहिजे, हीच तुम्हाला त्या ठिकाणी हात जोडून विनंती करतो आणि आपण माझ्या विनंतीचा मान कराल असा तुमच्याप्रती विश्वास व्यक्त करतो। आणि पुनश्च सांगून जातो, बाणाजी साहेब, आपल्याला माननीय सरपंच महोदय, ही सरकार तुमच्या दारामध्ये उभे राहील, तुम्ही सरकारच्या दारामध्ये नाही, सरकार तुमच्या दारामध्ये उभे राहील। तुम्हाला लोकांनी ज्या ज्या डिपार्टमेंटने तुम्हाला पत्र पाठवलं असेल, ज्या ज्या डिपार्टमेंटने तुमच्यासोबत अलेरावी केली असेल, ते सगळे अधिकारी तुमच्या दारात उभे नाही केले, तर माझे नाव सुनील गुलाटी। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए आघाड़ी गठबंधन के तीनों उम्मीदवारों के लिए ली गई ये प्रचार सभा अब तक के सबसे बड़ी संख्या में होने वाली प्रचार सभा हुई है, ऐसा लोगों का कहना था। कैबिनेट मंत्री सुनील केदार, इन्होंने कई पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए और तालियां बटोरते रहे। कांग्रेस का एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का नेता यहां आने से लोगों में खासा उत्साह देखा गया।
कैबिनेट मंत्री सुनील केदार ने ये सभी उम्मीदवार भारी बहुमतों से चुन कर आएंगे, ऐसा विश्वास INBCN के समक्ष व्यक्त किया। इस समय में सुनील केदार जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे सुनील जी, ये बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण है ये चुनाव? ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव में हम जीतने जा रहे हैं उसमें कोई शंका हमारे मन में नहीं है। इस एरिया में हमारे बंटी शेड़के जी पूरी पूरी ताकत लगा के बैठे हैं और सोनिया जी का जो निर्णय महाराष्ट्र में हुआ है उन निर्णय को अमल करने के लिए हम सब जन ताकत लगा रहे हैं। हमारे सरपंच जो है बनर्जी, इन्होंने पूरी ताकत झोंक के नागपुर ग्रामीण में सारी की सारी सीटें कांग्रेस से चुन के आ रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप तो कैबिनेट मंत्री सुनील केदार, जिन्होंने बात करते हुए ये बताया है कि जिला परिषद की जो 35 सीटें वो पूरी तरह से चुन के आने वाली है, कार्यकर्ता और उम्मीदवार पूरे इस काम के लिए लग चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब मतदाताओं का रुझान किस ओर होगा और जब मतगणना जब होगी तो जीत का परचम कौन से पार्टी के पास, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, यह अभी भले ही कह नहीं सकते लेकिन वो समय दूर नहीं जब इस तरह जीत का परचम कौन लहराएगा, ये साफ ये भूमिका जो है ये साफ होने वाली है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिले।